हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईज की स्टैटिक क्विज, जो कि हमारे दिसंबर मंथ की चल रही है। तो हम लोग एक लेसन देख चुके हैं हिस्ट्री में, तो आज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन मेरी आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को जरूर टिक मार्क कीजिएगा, और रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है। प्ले लिस्ट में आइए और स्टार्टिंग से आप लोग सारे लेसन देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्विज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि 10th क्वेश्चन नंबर तक हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, तो ये आज की फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको एडिक्ट ऑफ अशोका से रिलेटेड जो भी यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट है आपको करेक्ट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है कि जो इंस्क्रिप्शन है अशोका की, वो फर्स्ट यहाँ पर हमारे जेप्स प्रिंसेप के द्वारा डिसिफर्ड किया गया था। सेकेंड है कि वो यहाँ पर कम्प्लीटली पाली लैंग्वेज में ही लिखी गई थी। थर्ड है कि अगर हम लोग इंडिया के कुछ पार्ट में देखें तो अशोकन जो इंस्क्रिप्शन है वो कारोस्टी स्क्रिप्ट में पाई जाती है। तो आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो बिल्कुल सही है। अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही डेसिफर्ड किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली वो पाली में ही लिखी गई थी। ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। अगर आप लोग एक बार सेकंड स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट करोगे तो आप लोग कम्प्लीटली और डायरेक्टली आंसर तक पहुँच जाओगे, जो कि सी है। जो इंस्क्रिप्शन है अशोका की वो फर्स्ट इन्हीं के द्वारा किया गया था, वो भी 1837 में, और ये रिटन है पाली लैंग्वेज में भी, और कुछ जगह पे आपको प्राकृत लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी। नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन में अशोका इंस्क्रिप्शन जो है वो खारुस्ती स्क्रिप्ट में पाई जाती है। ओके, अब आते हैं द एडिक्ट ऑफ अशोका डील्स विथ, ये किस चीज़ से डील करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो अशोका की धम है और इनके एफर्ट्स कि किस तरीके से धम को प्रमोट करे अपने किंगडम के साथ। सेकेंड है कि जो डिटेल है यानी कि अशोका का वॉर विथ कलिंगा। थर्ड है इंस्ट्रक्शंस जो भी यहाँ पे उनके ऑफिशियल को दिया गया। तो यहाँ पे आपको करेक्ट कोड बतानी है फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसकी करेक्ट आंसर देखते हैं, वो है डी यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जो एडिक्ट है हमारी अशोका का वो अशोका के धम से यहाँ पर डील करती है, और साथ ही साथ इनके इंस्ट्रक्शंस जो भी इनके ऑफिशियल को दिया गया, जो यहाँ पर आपकी 13 रॉक एडिक्ट है वो यहाँ पे इनके वॉर जो कि कलिंगा में हुई थी, कलिंगा के साथ हुई थी, उसकी डिटेल बताती है। जो पिलर एडिक्ट है यहाँ पे 7th है, वो यहाँ पे समरी बताती है इनके एफर्ट्स का कि वो किस तरीके से धम को प्रमोट किए थे। ओके, अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको बतानी है जो चार्टर एक्ट है 1793 की, वो रिजर्व की थी ऑल इंडिया ऑल सिविल सर्विस पोस्ट, वो भी कोविनेंटेड सर्वेंट ऑफ द कंपनी जैसा। तो जो रीज़न है कि इंडिया को बाहर रखा गया था, तो वो क्यों रखा गया था। फर्स्ट है कि सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते थे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि यहाँ पे ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व कर रहे थे। सेकंड है कि इंडियंस जो थे वो इनकैपेबल थे, अनट्रस्टवर्दी थे, इनसेंसिटिव थे ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए। थर्ड है कि जो हाई कॉम्पिटिशन है यूरोपियन के लिए वो यहाँ पर ल्यूक्रेटिव पोस्ट के लिए ही था। तो आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो आइए इसकी करेक्ट आंसर तक पहुँचते हैं, जो कि डी है। इट मीन्स कि सारे स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट हैं। यही तीन मानना था, इसलिए यहाँ पे इंडियंस जो है इस तरीके के सिविल सर्विस वाले पोस्ट में आप लोग नहीं सिविल सर्विस के पोस्ट से उनको बाहर रखा गया था। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि गवर्नर जनरल कौन कौन थे और इनके कार्यकाल में क्या क्या इवेंट हुई थी। पहला यहाँ पे दिया गया है आपको बताना कि करेक्टली मैच कौन कौन सी है। कॉर्नवालिस की बात की जा रही है तो इन्होंने सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया था, और वेलेस्ले की बात की जा रही है टेलीग्राफ और पोस्टल रिफॉर्म्स के लिए। विलियम बेंटिंग की बात की जा रही है कि इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की थी, और डलहौस के बारे में बताया जा रहा है कि सब्सिडरी अलायंस के लिए के। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है टू एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड फोर्थ। सो आप लोग ने मैच कर लिया होगा। अब हम लोग करेक्ट आंसर तक पहुँचेंगे, जो कि है बी यानी कि फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कॉर्नवालिस जो थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को यहाँ पे लाया था और सिविल सर्विस के इंट्रोड्यूस की थी। वेलेस्ली की बात करें तो इनका था इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जो कि 1798 की थी। विलियम बेंटिंग की बात करें तो ये एजुकेशन रिफॉर्म पे बात करते थे, और इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसा इन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया था। डलहौजी की बात करें तो ये टेलीग्राफ एक्ट लेकर आए थे, टेलीग्राफ रिफॉर्म, और साथ ही साथ यहाँ पे पोस्टल रिफॉर्म भी लेकर आए थे। ओके, अब यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन से प्री कांग्रेस एसोसिएशन है जो कि सबसे पहले फॉर्म हुआ। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, या फिर पूर्ण सार्वजनिक सभा। तो इसकी करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, इट मीन्स कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सबसे पहले हुई थी। आपको ये डेट भी देख लीजिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, पूना सार्वजनिक सभा जो है 1870 में, उसके बाद मद्रास महाजन सभा जो है 1884 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है कि अशोक जो है वो बुद्धिज्म को काफ़ी इम्प्रेस्ड करते थे, वो भी यहाँ पे बौद्धिस्ट जो मॉन्क थे उनके इन्फ्लुएंस में यानी कि उपागुप्ता। सेकेंड है कि उनके कुछ स्कॉलर के अकॉर्डिंग देखें तो अशोका की जो कन्वर्जन थी बुद्धिज्म में वो काफ़ी इमीडिएट हो चुका था।
ठाणे की जो अशोका है वो यहाँ पे स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे जिनको धर्म महामंत्र कहते थे, और वो अपने धर्म की जो प्रोग्रेस थी उनको स्पीड अप करने के लिए यहाँ पे उनको यहाँ अपॉइंट किया गया था। तो आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बी, इट मीन्स कि सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है और फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इनके कुछ स्कॉलर के अकॉर्डिंग देखें तो इनकी जो कन्वर्जन थी बुद्धिज्म में वो ग्रेजुअल था ना कि इमीडिएट था। ओके, इसलिए ये आपकी इनकरेक्ट है। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको मेन फीचर बतानी है अशोका के धम्म में, जो कि मेंशन किया गया था इनके एडिक्ट्स में, बहुत सारे एडिक्ट्स में। तो इनमें कौन कौन सी है? सबसे पहला कि इन्होंने मना की थी एनिमल सेक्रीफाइस और फेस्टिवल गैदरिंग को। सेकेंड है कि टॉलरेंस जो यहाँ पे रिलीजियस सेक्ट्स में, सारे रिलीजियस सेक्ट्स में किया जाता था उसको। थर्ड है कि कॉन्क्विस्ट किया जाता था वॉर के थ्रू, वो जीतते थे। फोर्थ है कि मेंटेनेंस करना है, जो भी कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट है लोगों से वो भी यहाँ पे सिस्टम ऑफ धम्म यात्रा के थ्रू। तो आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे अगर करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आंसर करेक्ट है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ। ओके, इट मीन्स कि ए ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। जो मेन फीचर्स आप लोग को अशोक के धम्म का पता होना चाहिए, सबसे पहला है कि उनका कहना था कि माता और पिता को सर्विस करना है, यानी कि उनका ध्यान रखना है, अहिंसा का प्रैक्टिस करना है और ट्रुथ को सच्चाई से प्यार करना है, टीचर्स को सम्मान करना है, गुड ट्रीटमेंट रखना है अपने रिलेटिव के साथ। एनिमल सेक्रीफाइस को वो रोकते थे, फेस्टिवल गैदरिंग को वो रोकते थे, और साथ ही एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन का था उसको वो बताते थे। ह्यूमन ट्रीटमेंट करना है सर्वेंट का, वो भी मास्टर के थ्रू। कंसिडरेशन एंड नॉन वायलेंस था एनिमल के साथ। टॉलरेंस करना है सारे रिलीजियस सेक्ट्स को, और कॉन्क्वेस्ट जो है वो धम्म के थ्रू करना है, ना ही यहाँ पे वॉर के थ्रू। नेक्स्ट है दीवाने खैरत, ये इस्टेब्लिश किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये क्या है ये आपको बताना है। डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव है, रेस्ट हाउस है, या फिर हॉस्पिटल है, या फिर ऑफिस ऑफ चैरिटी है। तो इसकी करेक्ट आंसर देखें तो ये है हमारी ऑफिस ऑफ चैरिटी। ओके, फिरोज शाह तुगलक में आप देखोगे कि काफ़ी कुछ यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी। एक है दीवाने खैरत जिसको हम लोग ऑफिस ऑफ चैरिटी कहते हैं, दीवाने बुदगन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेरेसिस देखने को मिलेगा जिसको रेस्ट हाउस कहा जाता था। तो ये मर्चेंट के बेनिफिट के लिए है और दूसरे ट्रैवलर्स के लिए भी बेनिफिट के लिए, और इन्होंने इक्तादारी फ्रेमवर्क को भी अडॉप्ट की थी। यहाँ पे न्यू टाउन, फिरोज़ाबाद, फ़तेहपुर, जौनपुर और हिसार है, उन्होंने हॉस्पिटल भी इस्टेब्लिश की थी, दारुल शिफा जिसको कहा जाता था। ओके, अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है जो चार्टर एक्ट है 1813 का, वो यहाँ पे मॉडर्न साइंस को हमारे कंट्री में प्रमोट करता था। सेकेंड है कि जो मैकाले मिनट है वो यहाँ पे मास एडुकेशन के प्रमोशन को लीड करते थे। थर्ड है कि जो हंटर एडुकेशन कमीशन रिपोर्ट है वो यहाँ पे कंसीडर किया जाता था कि मैग्मा कार्टा इंग्लिश एडुकेशन है हमारे इंडिया का। इनकरेक्ट, आपको गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट हमारी सी है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो डिटेल। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही,